चलिए अच्छी बात है। ये हिमांशी अपनी टीम का कैप्टन और अपनी टीम की नुमाइंदगी करता हुआ रेड के काम को अंजाम देता हुआ करमैली के कोर्ट में, और उस तरह से मैं देख रहा हूँ कि इस बार किक का प्रयास करना चाहा, लेकिन फिर अपने पैर को बचा लिया, फिर वहां से पूर्ण चौर का भी प्रयास लगातार कर रहे हैं, लेकिन नाकामी लगी। अगर चांद पार ये मुकाबला जीतती है तो 500 रुपए का इनाम आसम हॉस्पिटल चांद पार डॉक्टर शाहनवाज आलम की तरफ से, 200 रुपया डिजिटल अलाइनमेंट सेंटर अब्दुल रहमान साहब की तरफ से। ये है बाबू भाई, झटका इनका बड़ा खतरनाक होता है, लेकिन शुरुआती हमला टीम कौन करेगी वो देखने वाली बात है, काबू में आते नहीं है ये, लेकिन मुकाबला किस तरह जाएगा और सुपर रीड पे 100 रुपए का इनाम अब्दुल रहमान भाई डिजिटल अलाइनमेंट की तरफ से, चांद पार जीतती है तो 200 रुपए इनकी तरफ से, 500 रुपए आदम हॉस्पिटल चांद पार की तरफ से, इसके अलावा फहद की तरफ से भी इनाम आ सकते हैं। बिल्कुल समझ गए थे कि यहाँ पर नितेश की थोड़ा सा हल्की रेट दिखाई दे रही है, वही पे उनको रोका, ब्लॉक किया सामने से और ओपन का काउंट कर दिया। मिस्टर अकुंदा को क्या रोका जाएगा, बड़ी तेज रेड होती है इनकी, और गलतियां यहां पर अगर करते नजर आएंगे तो बड़ी पहले स्टीम मानी जाती है, थोड़ी सी गलती करेंगे तो यकीनन नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। जी हाँ, कुछ ही देर में हमारे जी हाँ सिर्फ खेल की यहाँ पे पहचान करें, अच्छे खेल से तालियां बजाएं, गलत शब्द का इस्तेमाल कोई भी टीम या दर्शक नहीं करेंगे, जो बेहतर खेलेगा वही विजेता होगा। यह है मिस्टर गुप्तू, अभी खेल की शुरुआत है, लेकिन करमैली में देखा जाए तो तीन से चार प्लेयर जो है बड़े साइलेंस के हैं। हेलो जी हाँ, अगर इस मुकाबले को जीशान ट्रैवल जीतती है तो 500 रुपए का इनाम जीशान साहब की तरफ से, अभी शुरुआत है, दो और जीरो, टीम को इकट्ठा लीड करके चलना पड़ेगा, दोनों टीम को। नितेश आउट, रिजवान आउट, करमैली ने फिलहाल दो पॉइंट बना रखी है चांद पार को, अभी खाता खोलना है, विपिन को आजमाएगा, वेल अटैक, वेल अटैक का इस्तेमाल किया गया था। जी हाँ, बेहतरीन किक इस्तेमाल किया था वहां पर विपिन ने, यहाँ अच्छी आक्रमण करना पड़ेगा, पहले अच्छा बनाना पड़ेगा। जी हाँ, अगर एंकल होल्ड अगर टैकल कर दिया गया किसी भी रीड पर अब्दुल्ला को, तो अब्दुल रहमान साहब डिजिटल अलाइनमेंट फील्डर की तरफ से 50 रुपया का इनाम। लेकिन क्या आज नितेश अकेले दम पर टीम को लीड लेकर चला जाएगा वो देखने वाली बात है, लेकिन कहते हैं कि अकेले टीम को लीड करना भी बड़ा मुश्किल काम है, ये भी एक चीज होती है, क्योंकि पूरी टीम को लेकर चलना पड़ता है और उसमें से दो बार उनको पकड़ा गया, ये थर्ड रीड है, डाई करो या मरो की स्थिति, या क्या इसको रोका जाएगा या कितनी पॉइंट लेके जाएंगे अब्दुल्ला, तीन नंबर खिलाड़ी बड़ा तेज है ये मैदान में, और उस कोशिश में बिल्कुल आक्रमण बड़ा जबरदस्त देखा गया, उस दरोगा फिर गोविंदा का साथ मिला, साथ मिला वहां पर विकास का, विकास कर गए अपनी टीम के एक पॉइंट के लिए, तीन और दो। जी हाँ, मुकाबला एक ऐसी चीज होती है कि आपके कॉन्फिडेंस का गेम होता है, आपने बहुत ऐसे मैचेस देखे होंगे कि थोड़ा सा हल्की टीम अगर कॉन्फिडेंस मैच में पा जाए तो किसी भी टीम को ये धराशायी कर सकती है।
जी हाँ, इसी तरह की सेम टीम पिछले सीजन में नरहन का मुकाबला देखा गया था, आजमगढ़ मंडल की टीम को यही टीम प्राप्त कर गई थी। तो यही होता है, और उसी गांव का एक बड़ा होनहार खिलाड़ी जो ज्योति चौहान हमारे बीच में, एक बड़ा होनहार खिलाड़ी था मेरे दोस्त, लेकिन अब हमारे बीच में नहीं है, बड़ा नाम था उस तरह का, खासतौर पर 55 किलो 60 किलो कबड्डी में काफी नाम उन्होंने पैदा किया था ज्योति चौहान ने। तीन और दो, तो ऐसे मुकाबले होते रहते हैं जो अपसेट कर जाती है कोई टीम किसी भी बड़ी टीम को। फिलहाल खेल अभी पहले हाफ में चल रहा है और पापू नाम का सितारा, ये कब निकल जाए पता नहीं चलता, जैसे बड़ा छोटे करता है लेकिन बड़ा तेज है, टैकल करेंगे तो 50 रुपए का इनाम आएगा। सोहरा इन खिलाड़ियों को बड़े करीब से जानते हैं, लेकिन गलती दोहराई यहाँ पर और कितनी पॉइंट है, दोनों रेफरी यहाँ पर रिव्यू आपस में बातचीत करते हुए कि क्या टच किया गया सोहराब को या नहीं किया गया, वो या खिलाड़ी आपस में बातचीत का काम का बड़ा टफ होता है। चलिए चार और दो, थर्ड रिव्यू टू हा डाई है ये रिजवान से इसके लिए, अब जो आजमाइश है इनके लिए, या सुपर रिप पे 100 रुपए का इनाम है डिजिटल अलाइनमेंट फिल्टर अब्दुलरहमान भाई की तरफ से। क्या ये पकड़े जाएंगे डू आर डाई में, क्या पॉइंट हासिल करेंगे, अगर पॉइंट हासिल कर लिया तो ओ भाई कौन था यहाँ पर, जी हाँ कमाल साहब थे, बहुत अच्छा टैंक देखा गया उनका। पांच ऐसे जी हाँ, इकरार महाप्रधान के लड़के एरार अहमद ने कमाल का खेल खासतौर पर कल लोनारी में दिखाया था, आज भी अपनी टीम को फ्रंट से लेकर चल रहे हैं, सब कुछ झोंक रहे हैं और महाप्रधान भी खुश हो रहे हैं कि आज ये टीम में बिल्कुल चल रही है। मुकाबला तीन और पांच और दो का चल रहा है, पांच और दो टाइम आउट टिकट फाइल कर रही, मुकाबला गवाएगी वो तरौका से एलिमिनेटर खेलेगी और फिर तय हो जाएगा इसमें से जो जीतेगा। जी हाँ, चार तारीख की सोच ये भी अच्छी है कि पॉइंट ज्यादा दी ना जाए, इसके ढाप से कोई अच्छी खबर आ जाए तो ये मुकाबला करीब लेके जाया जाए। ओ रिपीट फिर से करीब पहुंच चुके थे पॉइंट के, पांच और दो, पहला हाफ देखा जा रहा है इस वक्त मैदान में चार पार ग्रामीण कबड्डी की दुनिया में, क्या बाबू को रोका जाएगा, लेकिन बाबू बड़े अच्छे रेडर माने जाते हैं, ये बड़ा तेज है ये मैदान में और पावर भी बहुत जनरेट करते हैं जब ये पकड़े जाते हैं। तो 5-2, चलिए हाफ टाइम तो बातचीत हुई, विकास को आजमाया गया नए लीडर को, अच्छी रीड बेहतर रीड, महाप्रधान इशरार भाई का भी लगातार कमेंटेटरों की खिदमत करते हुए जहां जाते हैं वो खासतौर पर कमेंटेटर का बड़ा ध्यान रखते हैं, और अब्दुलरहमान भाई डिजिटल अलाइनमेंट ये भी लगातार कमेंटेटरों का ध्यान अक्सर किया करते हैं। कबड्डी लगातार बड़ी टीम कबड्डी अब शुरू हो चुकी है, दो और छह, फिलहाल उबैदुल्ला चार पॉइंट से लीड करती नजर आ रही है करमैली की टीम के मुकाबले में। भागड़ा मार हमारे सौराब तुरंत गए और उन्होंने कहा कि थर्ड रीड पे कमाल किया जाए, लेकिन अभी फिलहाल थर्ड रीड आई नहीं है, सुपर टैकल आ गए और जी हाँ सुपर टैकल कर गए तो 50 रुपए का इनाम मिलेगा चार पार की टीम को डिजिटल अलाइनमेंट की सेंटर की तरफ से, लेकिन अब्दुल्ला की भी रीड होगी थोड़ा सा स्लो किया जाए क्योंकि थर्ड रीड है नहीं, क्योंकि अगर हमला किया था लेकिन वो आया नहीं, जी हाँ पूरा उन्होंने खाई का था
ये अगर टैकल कर लिया तो यकीनन बड़ी तालियां बजेगी, नहीं तो ऑल आउट बिल्कुल खतरा मंडरा जाएगा अगर पॉइंट लेके चलेगा तो। जी हाँ, अब्दुल्ला को रोकना बड़ा मुश्किल काम है इस वक्त फिलहाल, टेस्ट लीडर साबित हो रहे इस टूर्नामेंट में। दो आई जी हाँ, बोनस है, बड़ा फुल माइंड है ये विवेक और हुडुडू, तीन और सात पॉइंट का अंतर बहुत दूर नहीं है, सुपर टैकल आम है, ऑल आउट का खतरा चार पार के लिए मंडरा रहा है, ₹50 का इनाम है अगर टैकल कर गए, लेकिन चांद पार की ये सोच है कि कुछ हिस्से में डबल ट्रिपल पॉइंट आए तब हमारा काम बनेगा, लेकिन फिलहाल करमैली की टीम इस मुकाबले में 70% लीड कर रही है, 70-30 का मामला चल रहा है। अच्छा खेल दिखाया, पहले गेम 5 मिनट का समय और बचा हुआ इस खेल में। गुड्डू मार गया सारे, मार गया, हाँ मर गया, मार मार बड़ा मार मार, फिर क्या नट मार, क्या है मार, क्या बेटा मारे बिल्कुल पॉइंट की तलाश में, उसकी पॉइंट मिलती नजर नहीं आ रही है, ईच पॉइंट पोस्ट टू क्या रेडर एंड कैचर आउट, तो लंडन चार पार जहां भी हो थोड़ा सा कमिटी बॉक्स के एरिए में आ जाए, जिससे मिले 4 और 12। आइए आगे की कमेंट्री साकिब। हेलो हेलो, तो ताकत तैयार है, टीम ताकत तैयार है, आने वाली टीम से सेकंड मुकाबला यानी सेकंड सेमीफाइनल कह लिया जाए, ये आपका होगा, तरौका टीम तैयार है, 12-4 का स्कोर बाबू, लेकिन यहाँ पे नाकामी लगी रेड और उस तरह से फिर नीतीश, अब नीतीश को भी कुछ करना पड़ेगा, टीम की नैया इस समंदर में हिचकोले खा रही है और वहीं पे नीतीश आए और उस तरह से सपोर्ट दिया कि दरिया में तलातुम हो तो बच सकती है कश्ती, कश्ती में तलातुम हो तो साहिल न मिलेगा। 3 मिनट का समय और बचा हुआ है और 7 पॉइंट का डिफरेंस है, 3 मिनट का समय है, अभी भी चांद पार इस मुकाबले में बनी हुई है, एक अलग सा पलटवार करना होगा, उबैदुल्ला जैसे रेडर को अगर आपने पकड़ लिया उसके बाद 2-3 पॉइंट निकाल लिया तो मुकाबला फिर फंस सकता है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल होगा। अब यहां पर नीतीश ओबैर की तरफ पढ़ना चाहा लेकिन फिर वहीं से कम बैक किया, फिर ओबैदुल्ला की तरफ, फिर यहां से राइट कॉर्नर की तरफ कुछ कर दिखाना चाहते थे लेकिन फिर अभी भी नाकामी और उस तरह से मजबूर डिफेंस, ये मास्टर प्रसाद कर रही है और इस एक्शन पर आप क्या कहेंगे, ₹500 अभी कह रहा हूँ कि यहाँ पे ₹500 के नाम लगाया है इस अटैक पर जो कि उनके बेटे ने किया था, चांद पार की हर सुपर देश है, ₹300 के नाम हर सुपर देश पे जाते हैं शहनवाज साहब, आदम हॉस्पिटल चांद पार की तरफ से ₹300 के नाम, ₹800 डिजिटल एलाइटमेंट की तरफ से,
तो इनामों की बरसात हो रही है भाई। तरौका टीम आ जाए, तरौका टीम आ जाए। और अभी से मैं देख रहा हूँ लगातार इनाम बढ़ रहे हैं, चांद पार के लिए इनाम बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अब चांद पार पे जोश में आ जाए, 300 रुपए के इनाम हर सुपर रेट पे डॉक्टर साहब की तरफ से दिया जाएगा। और इमरान ने जो अटैक किया था 500 रुपए के इनाम के वाले महाप्रधान की तरफ से उठा दिया है कि चलिए कदम आप कहीं नहीं जा सकते। एक मिनट का समय और बचा हुआ है और उस तरह से अब ये है मिस्टर एहरार। कल नुमारी की सरजमीन पर आजमगढ़ मंडल जो फाइनल मुकाबला हुआ था उसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया था, लेकिन वो तो फैसला यही आया कि करमैने टीम वहां पे रनर साबित हुई, लेकिन एहरार ने बड़ा योगदान दिया था टीम को। जीतने वाली टीम फाइनल में चली जाएगी और हारने वाली टीम यहीं पे अपने आप को गर्म करेगी, तरौका से खेलेगी, तरौका टीम आ जाए। अच्छा यहाँ पे थर्ड रेट एहरार सुपर टैग ला रहे 50 रुपए के नाम फरहान की तरफ से दिया जाता, लेकिन नाकाम रहे इनाम को हासिल करने में उस तरह से। ये लास्ट शरीर है, ये मुकाबले की लास्ट शरीर है, चार नंबर गुड्डू 18-15।